तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड के बारे में। आखिर एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, एग्जाम का सेंटर का स्टेटस कब तक आएगा। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये नोटिस देख सकते हैं जो कि कल जारी किया गया है शाम को ही 8 अगस्त को। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का एग्जाम का सेंटर जो है ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आप लोग का एग्जाम कितने कितने तारीख को है और कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिन एग्जाम चलने वाला है आप लोगों का, 23, 24, 25 और 30 तारीख को और 31 तारीख को इसी महीने में, जिसमें कि आप लोगों को फर्स्ट पाली और सेकंड पाली यानी एक दिन में 2 एग्ज़ाम कराया जाएगा आप लोगों का जो है। एक दिन में दोनों शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें आप लोग, इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ एडमिट कार्ड के बारे में, हालांकि कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम का सेंटर कब तक मतलब स्टेटस कब तक दिखाएगा। हालांकि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ एग्ज़ाम का सेंटर का जो है स्टेटस आप लोगों का 2 से 3 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। 12 तारीख से पहले आप लोगों जो है सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कितने तारीख को है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम है। और एडमिट कार्ड का बात रही तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ एडमिट कार्ड आप लोगों को 15 तारीख से बाद ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग वेट कीजिए, 12 तारीख तक आप लोगों को जो है स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। जो आता है ऑफिशियल की तरफ से मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।